अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने पहले वाले भांजे की बारात की वीडियो देखी थी ना, तो आज की वीडियो में दूसरे वाले भांजे की बारात की वीडियो होगी। और ये इनके नीचे का घर है जहाँ पर दोनों दुल्हनें आई हैं, नई नई दुल्हनें। ठीक है, तो ये मैं ना वीडियो मैंने पहले बनाई थी जब इनकी बारात नहीं हुई थी ना, तो और मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। तो अभी मैं इसको इस क्लिप में दूसरे वाले भांजे की बारात की वीडियो से पहले दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये बड़े वाले का है रूम, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, दुल्हन का रूम यही वाला था। ठीक है, और इसके बराबर वाला जो है वो दूसरे वाले भांजे का है। तो इनका ना अभी सामान कंप्लीट आया नहीं था, तो बस जो भी था ये इतना ही था, तो मैंने इसी की वीडियो बना ली थी। उसके बाद बाकी सामान आ गया था, लेकिन फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर जब घर की शादी होती है ना, तो बस प्रॉपर तरीके से एक चीज़ की वीडियो बनाना ना आसान नहीं होता। तो जो बनाई वो आपके साथ शेयर की। बस अंडे निकाले थे फ्राई करने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और ये देसी अंडे हैं, इनकी मुर्गियाँ हैं घर में मौजूद हैं, तो अंडे इनके वैसे ही पहुँच जाते हैं अच्छे खासे। लेकिन जो है ना, गर्मी को देखकर ना किसी का भी दिल नहीं चाहता था अंडे वगैरह खाने का, तो फिर मैंने इसे वापस रख दिए। और ये मैंने ना छत पर आकर बस छोटी सी वीडियो बना ली थी, जो जो इनके पास बर्ड्स हैं, कबूतर और अपना रैबिट वगैरह, जो जो चीज़ें हैं ना, मैंने उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स ले लिए थे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ख़ास तौर पर वीडियो बनाती। और ये जो अभी आप हालत इतनी ख़राब देख रहे हैं, तो अभी शादी में इतने बिजी हैं कि इनके पिंजरे वगैरह, इसकी सफाई भी नहीं हो पा रही ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना ये इस कंडीशन में दिखने को मिल रहा है। और ये जो भी बर्ड्स वगैरह ये देखें, पूरा चिड़ियाघर मौजूद है। बस बड़े बड़े जो हैं वो परिंदे, बड़े वाले नहीं हैं। और ये है मुर्गा, मुर्गियाँ भी हैं, मुर्गे भी हैं, और खरगोश भी हैं, और क्या क्या है अभी आप देखते जाएंगे वीडियो में साथ साथ। सब इतने प्यारे लगे थे, जब मैं खरगोश के पास लेकर गई वीडियो बनाने के लिए ना, उसके छोटे छोटे से वो थे बच्चे जो छुप के बैठे हुए थे। ये देखिए मुर्गियाँ बाहर पड़ती रहती हैं, और ये इनके चूज़े हैं छोटे छोटे से, जो काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए। तो ये इनको अलग रखा होता है, मतलब सबको अलग अलग रखते हैं ताकि आपस में लड़ाई ना हो। और ये जो रैबिट है ना, इनके छोटे छोटे से बच्चे ना छुप के बैठे हुए थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको दिखा सकूँ कि इनके बच्चे कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं भाई, वो मिट्टी और लकड़ी का जो इनका वो बना हुआ ना, इसमें मतलब वीडियो में दिख ही नहीं पा रहे, पर मैं आपको ज़रूर दिखाती। बड़े अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे से, वो सामने आ ही नहीं रहे थे, वो बहुत शर्मा रहे थे। उन्होंने कहा हमें वीडियो में नहीं आना। तो खैर, आप इनकी रैबिट को ही देख लें फिलहाल, इसी से गुजारा कर लें। बहुत अच्छे, मतलब बच्चे मुनसिफ को तो बड़ा मज़ा आ रहा था इन सारे परिंदों को सबको देख के ना। तो मैं तो खैर इनके करीब नहीं जाती, इनकी वीडियो बना रही थी मैंने आपके लिए, इनकी वीडियो बनाई। कबूतर का ये वाला वाइट, बिल्कुल वाइट कलर इतना प्यारा लग रहा था, और इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहे थे। दूसरे वाले भांजे की बारात की है। जब हम तैयार हो गए थे ना, बस में बैठे थे, तो बस मुझे ख्याल आया कि आज तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, और आज हमने घर भी जाना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे रुके हुए, तो बस घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हमने कहा आज हम घर चले आते हैं, बाकी वलीमे में जो है हम अपने घर से ही आएँगे। तो बस ये इसीलिए था कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले पाई जो आपके साथ शेयर करूँगी। बाहर आतिशबाजी हो रही थी, और ये जब हम वहाँ पहुँच गए थे ना बारात लेके लड़की वालों की तरफ, मतलब जहाँ इवेंट था, तो ये वहाँ आतिशबाजी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये उसके छोटे छोटे क्लिप्स हैं, और बाकी बस जो आगे मैं ले पाई वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।